काफी परेशान हो गया, इस पहु से तो हम तंग आ गए। अरे हरामजादी न जाने का नाम ले रही और न ये हरामजादी मर ही रही, ये तो मास्टर जी आ रहे हैं। ओ समझी जी, कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? अरे मेरी बेटी से मिलाओ, जल्दी क्या है ससुर जी? भले नाश्ता पानी कीजिए, आराम से अपनी बेटी से मिलिए, उसे कोई तकलीफ थोड़ी है। नहीं दामाद जी, मुझे नाश्ता पानी की जरूरत नहीं, पहले मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। मेरी बेटी आखिर है? पिताजी, अरे ससुर जी आए हो, भी इतना नाराज होकर आए, बात क्या है भाई? नहीं नहीं, नाराजगी की बात नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। मेरी बेटी से मिलाओ। तुम्हारी बेटी, हम मना कैसे कर सकते हैं? अरे संजय जी आप आए हुए हैं, संजय जी आप आए हैं, अपनी बेटी से मिली, चाय नाश्ता से मिले, पहले कुछ नाश्ता पानी तो कीजिए। अरे नहीं मंत्री जी, नाश्ता पानी फिर बाद में हो जाएगा, पहले मेरी बेटी से मुझे मिलाओ। यहाँ कितना सुख है इनकी बेटी को है? अरे तुम्हारी बेटी को हम लोग पलकों पे बिठा के रखते हैं, उसको जरा सा कष्ट नहीं होने देते। हाँ वो बात तो सही है, आपकी बहू है, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उसका पिता हूँ। अरे मास्टर साहब, पाँच पाँच किलो सेब लेकर के आता है तुम्हारे, ये सब कह दी ना छोटी बात, ये सब खिलाने पिलाने लिए बताई नहीं जाती है। लीटर दूध तुम्हारी बेटी को एक दिन में पिलाया जाता है, खिलाने पिलाने की बात नहीं की बेटी। अरे यार, इनकी बेटी है, मेरी पत्नी है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा भाई? वो बात तो सही है तुम लोगों की, लेकिन मैं अपनी बेटी से मुलाकात तो कर लूँ कम से कम। आप सबसे मुलाकात हुई और मेरी बेटी कहाँ है? अरे भाई, उससे भी मुलाकात कर लूँ। हम कैसे मना कर सकते हैं? आप अपनी बेटी से मुलाकात कर सकती हैं। हाँ वो बहू टीवी देख रही है, टीवी कमरे में होगी, कमरे में बहुत जल्दी है, तुमको मना कर सकते हो? अरे देख तो इतनी गर्मी से कोई जरिया है हम लोगों के पास, क्या करोगे? सारी बातें वो बोल देगी अपने बाप से। अरे तो चलो देखे, चलो देखते हैं करते हैं क्या, सुनते हैं क्या कहती। इतने बड़े घर में करती, क्या सोच रहे होंगे आप? क्या आपकी बेटी इस घर में राज कर रही है? नहीं बाबूजी नहीं, अरे लोग लो, मुझे बहुत सताते हैं बाबूजी, मुझसे बहुत सारा काम करवाते, कई दिन तक खाने नहीं देते, तो सूखी रोटी। बाबूजी सोच कर तेरी शादी इस बड़े घराने में नहीं कराई थी बेटी, तो बात ठीक थी बाबूजी। एक दिन ससुर जी, क्या हुआ? ससुर जी शराब पीकर मेरे कमरे में आए। तेरे कमरे में? बाबू जी, और उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करने की, मैं इन कमीनों की चाल समझ रहा था। बाबू जी मुझे यहाँ से ले चलो बाबू जी।
घबराना, चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा और आज ही मैं तेरी विदाई आज ही करवाऊंगा, तुझे अपने घर ले चलूंगा मेरी बच्ची। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी बड़े घराने की बहू कहलाएगी, चैन अमन से अपना जीवन बिताएगी, लेकिन ये सोच कर शादी नहीं किया था बेटी कि मेरी बेटी वहां तुझसे खाने को खाना नहीं, लेटने को बिस्तर नहीं, पीने को पानी नहीं। बेटी चिंता मत कर, मैं इसी वक्त जाकर उन कमीनों से तेरी विदाई की बात करूंगा और तुझे आज भी ले चलूंगा। सारा पोल खुल गया, फुतुर बाप बेटी में बात है। एक एक बात हम लोगों की बता, लेकिन कोई भी चक्कर चलाना, विदाई नहीं करना, कितना भी विदाई तो होने ही नहीं दूंगी मैं। चुप जाओ, ये तुम्हारी कैसी चाल थी हरामजादो? अरे हमने यही सोच कर तुम्हारे घर में विवाह किया था बेटी का, हमने सोच कर ये किया था विवाह कि हमारी बेटी चैन अमन से अपना जीवन बिताएगी। अरे हरामजादो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। आखिर किस बात की, अन्याय कर रहे हो मुझ गरीब के साथ। अरे तुमने क्या वादे किए थे कि हम तुम्हारी बेटी को अपनी पलकों पर सजा कर रखे, वो हमारी पुत्र बंधु है, लेकिन कमीने तुझे शर्म नहीं आई कि शराब के नशे में होकर अपनी बहू के कमरे में जा बैठा। अरे बेटी और बहू में क्या फर्क है, तू सोच अपने दिमाग से। अरे समझी जी, चलो हम मानते हैं कि हमने शराब पी तुम्हारी बेटी के कमरे में गया था, लेकिन मेरा बेटा गवाह है, पूछ लो इससे। हम बेहोश हो गए थे, मुझे उठाकर मेरा बेटा ही लेकर आया है। अरे भाई चला गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपके पैर मत, नहीं मेरे पैर मत छू। अरे पैर उसके छू जिसके साथ तुमने गुस्ताखी की है। हम मानते हैं कि तुमने शराब पी और नशे में होकर बहू के कमरे में गए, शराब पीकर अपनी बेटी। हमने तो कह दिया, हम मानते हैं गलती हो गई, हमसे आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आपके पैर छूते हैं, माफी मांग रहे हैं। भाई शराब पिया हमने, लोगों ने पिला दिया और बहू के कमरे में गया था, ये भी हम मानते हैं, लेकिन मेरा बेटा गवाह है। मैं बेहोश हो गया था, मेरा बेटा मुझे उठाकर वहां से लाया है। शराब के नशे में होकर तुम बहू के कमरे में चले गए। अरे माँ के कमरे में, अरे शराब पीकर अपनी बेटी के कमरे में क्यों नहीं चले जाते? ऐसा करोगे हराम जादो, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मुझ गरीब की इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया तुम लोगों ने, ऐसे गलती हो गई भाई। मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता, मेरी बेटी की विदाई आज ही करवाओ, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। अरे ठीक है भाई, तुम्हारी बेटी है लेकर जाना, आज विदाई कर दे। अरे हम बोलेरो से भिजवा देंगे। फिकर, अरे हमें कोई फिकर ही नहीं, मेरी बेटी भूखी प्यासी, वो भी जमीन में, बिस्तर भी नहीं, पेट भर खाने को खाना नहीं। तुम दामाद हो या कसाई हो? अरे नितान तुम ही समझाओ, समझी जी। आप गए थे ना कमरे में, देखा होगा। देखा, कितना सेब है उसके कमरे में। हाँ देखा, अरे वहाँ सेब का छिलक भी नहीं है कि छिलका वहाँ पर हो। अरे बता रहे वहाँ सेब, 5 किलो सेब, 5 किलो दूध। अरे नाराज मत। अरे समझी जी, जरा शांत हो जाइए, सब कुछ होगा। जब वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे मास्टर जी हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। जब वो माफी मांग रहे हैं तो आप माफ कर दीजिए। तो मेरी बेटी की रही विदाई की बात, सो हरी पत्री हो जाए, देवता पितर हो जाए। अरे इसी की चर्ची में कई हरी और पत्री। अरे सब हमारे यहाँ का रिवाज अशगुन होता है। अरे सब नहीं होगा तो सब अशगुन हो जाएगा, समझी जी, ये होना जरूरी है। ऐसा कीजिए, आप आज जाइए, कल सारे
कार्यक्रम होने के बाद परसों आपकी बेटी की विदाई करें, आप परसों चले आइए। अरे क्यों आएंगे भाई, मैं खुद लेकर चला जाऊंगा। अरे हाँ इस नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को स्वयं विदा कराने के लिए आऊंगा। हाँ तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, आप परसों चले आइए और आप सारे साथ मिले जाइए, काम निपट जाने के बाद अपनी बेटी की विदाई करवा लीजिए। और क्या, घरी पतरी हो जाए, देवता पितर हो जाए, बस इतना सा काम है। तुम्हारी बात मानकर आज मैं जा रहा हूँ और कल घड़ी पत्री कर लेना, फिर कल भी परसों परसों आ जाना, आ जाना। आप आ जाना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद ही विदाई करेंगे। मेरी बेटी के साथ अब ऐसा अन्याय नहीं करना। नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो मैं तुम लोगों को बख्शूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा, आपके आने से पहले तुम्हारी बेटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विदाई होगी, घरी पतरी होगी। क्रिया कर्म होगा, सब कुछ होगा। अब तो पानी सर से गुजर उठा है बेटा, गुजर गया है पानी सर से। अब जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। सिर्फ आज की रात कल का दिन हमारे पास है। एक काम करना है बेटा, अगर ये लड़की यहां से विदा हो गई फिर तो हमारी वो फजीयत होगी, ना हम जिंदा में रहेंगे ना मुर्दा में। ठीक कहते हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए, रास्ते का कांटा ही खत्म कर दिया जाए। आज रात को जैसे ही सो जाए। लेकिन बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। काम वो करो, दुनिया थूके जूते सौ सौ खाओ, तमाशा घुस के देखो। लोग जमीन पर थूकते, मुंह पर तो थूकते नहीं है। कहने का मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। नहीं टूटेगी, बताइए आप। किसी भी तरीके से उससे स्टाम्प लिखवा लेना है कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही है। ठीक कहते हैं, अगर वो लिख देगी तब तो हम लोग बच जाएंगे, फंसेंगे नहीं। फंसेंगे भी नहीं और वो मर भी जाएगी। मर भी जाएगी, लेकिन उससे लिखवाना कैसे है? चलो हम तुम सोचते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। देखिए माँ, आपको नहीं आना है, मैं और पिताजी संभाल लूंगा। जाओ तुम, जाओ तुम, नहीं तुम देख भी नहीं पाओगी, तुम देख भी नहीं पाओगी।